नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 को लेकर खबरें थी कि सेंसर बोर्ड ने इसे बैन कर दिया है और इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है, लेकिन सेंसर बोर्ड के पास अधिकार नहीं होता है कि वो किसी फिल्म को बैन कर सके। ये कहना है पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी का। पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी के मुताबिक जब कोई प्रोड्यूसर फिल्म दिखाने के लिए सेंसर बोर्ड के पास आता है तो एग्जामिनिंग कमेटी फिल्म देखती है, जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं। इनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष होते हैं। इस कमेटी में कोई बोर्ड मेंबर नहीं होता है। 4 मेंबर्स की कमेटी फिल्म देखने के दौरान रील दर रील अपने पॉइंट्स नोट करती जाती है। अगर उन्हें कोई भी आपत्तिजनक बात लगती है या कोई कट लगने का सेशन लगता है तो बाद में सभी 4 सदस्य आपस में डिस्कशन करने के बाद फिल्म पर अपनी फाइनल रिपोर्ट दिखाते हैं। इनमें से सबसे सीनियर मेंबर सभी के पॉइंट्स सुनकर डिसीजन ले सकता है। सभी 4 सदस्य फिर अपनी रिपोर्ट्स के आधार पर डिस्कशन करके फिल्म में फाइनल कट्स या कोई डिस्क्लेमर लगाने की सिफारिश करते हैं। अगर 4 मेंबर्स में कट्स हो, कौन सा सर्टिफिकेट देना है इस पर सहमति न बन पाए तो चेयरमैन सेकंड व्यूइंग के तौर पर फिल्म खुद देखकर फैसला करते हैं। इसके बाद प्रोड्यूसर को बुलाकर डिस्कशन किया जाता है या शो कॉज नोटिस दिया जाता है और बताया जाता है कि फिल्म में क्या क्या चेंजेस किए जाने हैं। इस दौरान प्रोड्यूसर को भी पूरा मौका दिया जाता है कि अगर उसे किसी कट या डिस्क्लेमर पर आपत्ति है तो अपनी बात रख पाए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।